हम कादरी भी हैं, हम शेर। औरत मार्च के मुखालिफ हैं, औरतों के मुखालिफ हैं हम? ना औरतों के मुखालिफ हो के माए बहने बेटियों का हम क्या इस्तेमाल कर दे? फिर आप यहाँ पे एंटी नारे लगा रहे हैं? नहीं एंटी नारा लगा रहे, हम एक नारे का जवाब आपसे भी मांगेंगे और सबसे मांगेंगे। क्या देंगे जवाब? बताएं। आफिया तेरी अजमत पे इनकलाब आएगा। कौन आफिया? आफिया सिद्दीकी, जो सिद्दीकी और हमारी शहजादी इस वक्त उनके हाथ में है, जो कहते हैं कि हम औरतों का मानने वाले हैं। मुझे एक दो तीन नारों के बाद आगे जाना है और क्लोज हो जाएगा मेरा सिस्टम। बच्चियां सही हैं, आफिया को भी रिहाई यही दिलवाएगी। नाम क्या? थोड़ा पीछे इरफान कादरी, थोड़ा पीछे रहे ना यार, पीछे यार, पीछे। आप इनकी हिमायत कर रहे हैं मतलब? एक सेकंड नहीं, आपको पुलिस वाले, पुलिस, एक सेकंड। आफिया तेरी अजमत पे इनकलाब आएगा, आफिया तेरी अजमत पे इनकलाब आएगा, आफिया तेरी रिहाई से इनकलाब आएगा। हम ये मैसेज देना चाहते थे, ओ यार इधर से हट जो, हम ये कहना चाहते हैं ये मार्च करें, लेकिन मार्च के दरमियान सबसे बड़ा मार्च जो आफिया सिद्दीकी को कस्टडी में रखा हुआ है उसको रिहाई किसने दिलवानी है? अच्छा, ये जो बैनर था आप समझते हैं ठीक है, मार्च ये भी चलता रहे? हमने बैनर अभी तक पढ़ा कोई नहीं। हम ये कहेंगे औरत, माँ, बहन, बेटी और बहू, मेरा जिस्म मेरी मर्जी सही है बैनर। कौन सा? मेरा जिस्म मेरी मर्जी सही नहीं है, वो बैठ गई आराम से, ये भी लिखा था सर, ये बैत हो चुकी है मर्दों की। हम यही कहेंगे कि वो शरीयत पहले आफिया सिद्दीकी की सूरत में लाया, छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम। अभी औरत मार्च यहाँ पे चल रहा था, इसी दौरान यहाँ पे एक शख्स सेंटर हुए जिसकी वीडियो आप लोगों ने देखी। इन्होंने, इनका अभी क्लियर नहीं हो रहा था कि ये औरत मार्च के मुखालफत में आए हैं या उसके हक में आए हैं, बस इधर ही एकदम घुस पड़े और कहते कि मेरी एक मिनट के लिए बात सुन ले। और उन्होंने कहा कि आफिया सिद्दीकी के लिए भी आवाज़ बुलंद की जाए। और उसके बाद औरत मार्च की जो इंतज़ामिया है वो आए और उन लोगों ने उनको कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। ऑब्वियसली यहाँ पर अभी औरत का ही मार्च हो रहा है, तो किसी और का यहाँ पे आकर मार्च करना, इससे माहौल ख़राब हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन ज़बरदस्त के पुलिस यहाँ पर आई, लेडीज़ पुलिस भी है यहाँ पर, मेल पुलिस भी है, और उन्होंने सूरत हाल को कंट्रोल किया और उस शख्स को साइड पे ले गए। बहरहाल मीडिया ने उसको भरपूर कवरेज दी। अब समझ में नहीं आ रही, या तो वो बंदा सिर्फ और सिर्फ कवरेज लेने आया था, क्योंकि वो क्लियर नहीं कर पा रहा था कि या तो मैं इस मार्च की मुखालफत करता हूँ या मैं उसके हक में हूँ। लेकिन उन्होंने कम अज़ कम ये बता दिया कि मैं इसके हक़ में हूँ। ये मैंने उनसे सवाल किया कि आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं? कहते हैं बिल्कुल मैं नहीं कर रहा, लेकिन चंद नारों की मुखालफत करता हूँ। और आफिया सिद्दीकी के हवाले से उन्होंने पैगाम दिया, अगर ये मार्च हो गया है, इजाज़त दे दी है इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने दे दी है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ऐसा वैसा गलत हरगिज़ नहीं है, ठीक है? मतलब कि कोई खुदा ना खास्ता रियासत मुखालिफ नारे नहीं लगाए जा रहे, कोई मुल्क मुखालिफ नारे नहीं लगाए जा रहे, कोई मुल्क मुखालिफ सरगर्मी यहाँ पर नहीं हो रही है। तो इसका मत, इसी वजह से तो इनको इंतज़ामिया ने क्लियरेंस दी है। लेकिन इस तरह से मार्च में आके मार्च को डिस्टर्ब करना और अपनी तवज्जो हासिल करना, ये टोटली एक गलत चीज़ है मेरी नज़र में। बाकी आपकी जो भी ओपिनियन हो, अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, मज़ीद वीडियोज़ भी है उसमें, आप जाकर देख सकते हैं।